Hi everyone, Assalamualaikum. Kaise hain aap sab? Welcome to my kitchen. I'm Zikesh and you are watching my kitchen series. और आज हम किचन सीरीज में बनाने जा रहे हैं चिकन जलफ्रेजी. बहुत मज़े की डिश है, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और अक्सर हमारे घर में बनती है. समटाइम्स तो इतनी ज़्यादा बनती है कि मैं बोर हो जाती हूँ उसको बना बना के, लेकिन मेरे बच्चे नहीं इसको खा खा के बोर होते. तो आज फिर से हम चिकन जलफ्रेजी बनाने जा रहे हैं. पिछले 3-4 दिन से हम लोग बिजी थे, नेशनल डे की सेलिब्रेशन चल रही थी दुबई में और हम उसमें बिजी थे और बहुत मज़े की अमेजिंग सेलिब्रेशन थी, बहुत इन्जॉय किया हमने. खाना भी बाहर खाते रहे तो हमने कुछ नहीं बनाया. आज हम घर पे खाना बना रहे हैं और आज हम बना रहे हैं चिकन जलफ्रेजी. तो आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी. एज यू नो आई बिलीव इन क्विक एंड ईजी रेसिपीज. जो आपके पास अवेलेबल है उसको यूज़ करें. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते कुकिंग के. आप सिर्फ आपको दिल से बनाना है जो भी बनाना है और आपके पास जो अवेलेबल चीज़ें हैं आप उनसे बना सकते हैं. डजंट मैटर. तो जलफ्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे चिकन लिया. ये तकरीबन 1 किलो के करीब चिकन होगा ये. और इसको हमने चिकन जलफ्रेजी जो मसाला है शान का, लेट मी शो यू, ये हमने नेशनल का चिकन जलफ्रेजी मसाला इसमें डाला है. थोड़ा सा योगर्ट मिक्स करके, योगर्ट के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून योगर्ट लिया था मैंने और उसके अंदर ये मसाला थोड़ा सा डाल के, मसाला भी ऐसे 2 से 3 चम्मच मिक्स करके उसको मैंने चिकन को इसके अंदर मैरिनेट कर दिया है. और इसको तकरीबन मैंने 5 से 10 मिनट के लिए मैरिनेट करके रखा है. और यहाँ पे मैंने ली है शिमला मिर्च, 2 शिमला मिर्च और 2 प्याज दरमियाने साइज़ के. उन दोनों को चॉप काट लिया है और इनको भी मैंने थोड़ा सा मसाला जो उसमें से बच गया था मैरिनेट वाला वो मैंने इसके अंदर डाल के इसको मैरिनेट करके रख दिया. एंड यहाँ पे हमने लिया है एक पैन में थोड़ा सा ऑयल के अंदर टमाटर. टमाटर इसमें ज़्यादा डलते हैं, 2 से 3 टमाटर डलते हैं इसमें, बट मेरे पास थे नहीं तो मैंने सिर्फ 1 टमाटर डाला है. तो मैंने जैसे कि आपको बताया कोई मसला नहीं होता, थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो गए तो उससे कुछ भी नहीं होता, आप कर सकते हो. अभी हम थोड़ा सा टमाटर तकरीबन डल गया है और अभी हम इसके अंदर चिकन को ऐड कर देंगे. तो हमने टमाटर के अंदर चिकन को ऐड कर दिया है और अब हम इसको थोड़ा देर फ्राई करेंगे. अभी ये टमाटर थोड़ा सा पानी भी छोड़ देंगे, इसके अंदर चिकन को फ्राई भी करते रहेंगे और फिर इसको थोड़ा सा कवर करके रख देंगे 2-3 मिनट्स के लिए, जब तक कि इसके अंदर ही चिकन गल जाएगा. सो वी हैव टू वेट फॉर 5 मिनट्स. सी, हम चिकन को फ्राई कर रहे हैं और इसने काफ़ी पानी भी छोड़ दिया है, तुम कम भागीदार हो. और यह ऐसा सा पानी छूटता जाएगा और हमने इसको फ्राई करके फिर रखना है थोड़ी देर के लिए ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और ये गल भी जाए. वैसे नॉर्मली चिकन जलफ्रेजी जो है बनती है बोनलेस चिकन से, वो बहुत मज़े की बनती है. लेकिन वही जैसे कि मैं कहती हूँ कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. अगर आपके पास बोनलेस चिकन नहीं है अवेलेबल तो आप होल चिकन का भी बना सकते हो. मैं अक्सर बोनलेस चिकन से बनाती हूँ लेकिन आज बोनलेस चिकन नहीं था तो मैंने होल चिकन ले लिया है और मैं इससे बना रही हूँ. इससे भी उतनी ही यम बनेगी जितनी कि बोनलेस से बनती है. तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, आप होल चिकन भी ले सकते हो. हमने इसको अच्छी तरीके से अभी फ्राई करना है ताकि सारा अच्छी तरह से भुन जाए और फिर हम इसका पानी भी खुश करेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए गलने के लिए भी रखेंगे. ऑलमोस्ट 5 मिनट्स हो चुके हैं और हमने इसको ऑलमोस्ट फ्राई कर लिया है. इसमें काफ़ी पानी भी छोड़ दिया है चिकन ने. बोनलेस चिकन जो होता है उसको इतना ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जल्दी हो जाता है, फ्राई हो जाता है. लेकिन जो होल चिकन होता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा आपको टाइम लगता है फ्राई करने में. तो ये तकरीबन फ्राई हो गया है. अब इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ा हुआ था, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे और इसमें जो गल भी जाएगा और इसका पानी अब हमने खुश करना है. जब तक पानी ड्राई होगा तब तक हमने इसको पकाना है. थोड़ा सा अब हम इसको ज़्यादा फ्लेम पे पकाएंगे ताकि पानी जल्दी खुश्क हो जाए. 3 to 5 मोर मिनट्स और अब ये चिकन रेडी है. तकरीबन इसने देखें पानी भी खुश्क हो गया है और ऑयल भी छोड़ दिया है. सो नाउ इट्स रेडी. अब हम इसके अंदर ये जो वेजिटेबल हमने रखी थी शिमला मिर्च और प्याज, इसको मैरिनेट करके हमने रखा था, अब हम ये इसके अंदर ऐड कर देंगे. थोड़ी देर इसको भी भूनेंगे, 2 से 3 बार चम्मच हम चलाएंगे और फिर इसको हम दम पे रख देंगे गलने के लिए. ये हमने शिमला मिर्च और प्याज ऐड कर दिया है चिकन के अंदर और यम इसकी शक्ल लग रही है और अमेजिंग खुशबू आ रही है.
अभी हम इसको थोड़ा सा दम पे रखेंगे। आप थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा। कुछ लोग नहीं भी ऐड करते, खुद भी पानी छोड़ देती हैं शिमला मिर्च, लेकिन मैं थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ इसके अंदर ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। तो मैं थोड़ा सा पानी बिल्कुल डालूँगी इसमें, हाफ कप से भी कम। तो उसके बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी गलने के लिए। सी पानी ऐड कर दिया है हमने, और अब हम इसको थोड़ी देर पहले ज़्यादा फ्लेम पे इसको पकाएंगे, थोड़ा सा पानी इसका बॉयल हो जाए, उसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे। और फिर इसको तकरीबन 3 से 5 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख देंगे, उसमें ये सारी वेजिटेबल्स गल जाएंगे और यह रेडी हो जाएगा। हमने इसके अंदर कुछ भी और मसाला ऐड नहीं किया, जैसे कि आपने देखा कि सिर्फ जो इसका जलफ्रेजी मसाला था वही ऐड किया है। लेकिन इसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर आपके पास वो मसाला नहीं है तो आप घर के अपने नॉर्मल मसाले जो आप यूज़ करते हैं नॉर्मली, अब वो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कुछ भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता, टेस्ट वही आएगा और बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। आई मस्ट से कि इंग्रेडिएंट्स मैटर नहीं करते, ऑल डज मैटर इज़ योर लव एंड आपका खलूस और आपका प्यार, जितने प्यार से आप बनाते हो किसी के लिए कुछ कुक करते हो वो मैटर करते हैं। अदरवाइज रेसिपीज़ और इंग्रेडिएंट्स से कुछ भी नहीं होता। मैं हमेशा इजी और क्विक वेज यूज़ करती हूँ और मेरे हमेशा मज़े के खाने बनते हैं। जब भी मेरे घर पे कोई दावत होती है, गेस्ट आते हैं, तो वो हमेशा तारीफ करके जाते हैं। हालांकि मैं बिल्कुल भी वो कोई लंबी चौड़ी रेसिपीज़ फॉलो नहीं करती और हार्ड एंड फास्ट रूल्स को फॉलो नहीं करती, अपनी मर्ज़ी से बनाती हूँ। जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल होती है मैं वही यूज़ करती हूँ। तो मेरा ये ख्याल है कि सिर्फ आपका खलूस और आपका प्यार मैटर करता है, इंग्रेडिएंट्स मैटर नहीं करते। आपका क्या ख्याल है आई डोंट नो, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आप मुझसे इस बात पे एग्री करते हैं या नहीं। तो लेट्स सी, 5 मिनट हमें मोर वेट करना है, उसके बाद ये हमारी जलफ्रेजी रेडी हो जाएगी। पानी बॉयल हो चुका है और अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर रख देंगे 2 से 3 मिनट्स के लिए ओनली। सो ऑलमोस्ट 5 मिनट्स हो चुके हैं एंड इट्स ऑल डन नाउ। तकरीबन इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी है, मैं इसको थोड़ा सा ग्रेवी वाला ही बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को ऐसे पसंद है। आपने अगर इसको बिल्कुल ड्राई करना है तो आप पानी थोड़ा बिल्कुल इसका ड्राई कर सकते हो, खुश्क भी आप इसको कर सकते हो। लेकिन इस वक्त सब्जियाँ गल चुकी हैं और चिकन भी अच्छी तरह से गला हुआ है और थोड़ी सी इसके अंदर ग्रेवी भी है, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल डन है और हम लोग इसको ऐसे ही पसंद करते हैं। आप जैसे पसंद करते हो आप उस तरह से इसको ड्राई भी कर सकते हो पानी को, और बिल्कुल इसको खुश्क करके भी खा सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चिकन जलफ्रेजी और आई होप आपको पसंद आई होगी मेरी रेसिपी। अब हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे और इसको कवर कर देंगे, और आप ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा आपको पसंद आई है। ओके, बाय बाय, टिल माई नेक्स्ट वीडियो।